नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीजीटी प्रवक्ता की परीक्षा होने वाली है, टीजीटी की परीक्षा होने वाली है, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक की। तो उन सब में ये सिविक्स विषय है, नागरिक शास्त्र जिसे कहते हैं, और यूजीसी नेट हो गया, पीसीएस की जो सब्जेक्ट में जो आपका विषय रहता है ऑप्शनल, उसमें राजनीति विज्ञान नाम से, उन सब का जो सिलेबस है लगभग लगभग समान ही है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए यह हमारी कक्षा चल रही है। आज की यह हमारी दूसरी कक्षा है, मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार क्यों आवश्यक है, मूल अधिकारों में कौन कौन से जो विशेष टॉपिक है वो पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, सभी प्रकारों को विस्तृत अध्ययन करते हुए हम अपनी कक्षा को आगे ले चलेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, नागरिकों के मूल अधिकार। अब नागरिकों से तात्पर्य क्या है, नागरिक कौन होते हैं, प्रश्न दो है। अगर आप मूल अधिकार चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो दो चीज़ें उसमें होती है, नागरिक एवं व्यक्ति। व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी मानव से है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो। और नागरिकों से तात्पर्य भारत में जन्मे, भारत की जिनकी नागरिकता प्राप्त हो, मूल रूप से जो भारतीय हो, भारत में पैदा हुए हैं, वो नागरिक कहे जाते हैं। नागरिकों के लिए जितने मौलिक, छह प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जितने हमारे संविधान के भाग तीन में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसमें छह प्रकार के अभी वर्तमान में मूल अधिकार हो, छह प्रकार के मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त होने के साथ साथ भारतीयों को भी प्राप्त है, या ऐसे कहें कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो दोनों लोगों को प्राप्त है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे भारतीय नागरिक हो, चाहे वो विदेशी हो। वैसे तो मूल अधिकार से तात्पर्य हमारा ये है कि सबसे पहले जो हमारा मैग्ना कार्टा था उसमें मूल अधिकार की बात की गई थी। उसके बाद हम मूल अधिकार को जब संविधान में देखते हैं तो संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। जब हमारा संविधान था मूलतः उसमें सात प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। सातवां जो प्रकार था संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, और इसको इस मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल कर जो सात मूल अधिकार थे एक निकल गया। अब तो सातवें मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को निकाल कर उसको हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में एक विधिक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और उसी में उसका वर्णन हो गया। आज वर्तमान में अर्थात 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद हम लोगों की यहाँ मूल अधिकारों की संख्या, हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिनका हम बारी बारी से बात करेंगे। अधिकार, अधिकार से आप क्या समझते हैं, आप सोचिए, आप किसी समाज में रह रहे हैं, वहाँ 5 प्रकार के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त है, कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, कुछ लोग धर्म को मानने वाले हैं, कुछ लोग धर्म को नहीं मानने वाले हैं। तो उन लोगों के अपने अपने कार्य हैं, उन लोगों के अपने अपने अनुयायी हैं, मानने वाले लोग हैं, समाज हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार होने चाहिए जो हमारे संविधान के द्वारा उन लोगों पर लागू किए जाए, जो हमारी भारत की स्थिति की गरिमा को देखते हुए कार्य करे, हमारी राष्ट्र की उन्नति में वह बाधक ना हो, साधक के रूप में काम करे। तो इसके लिए एक ढांचा तैयार किया गया, एक संविधान तैयार किया गया कि भारत में रहने वाले या बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनका ब्यौरा, उस समाज में रहने वाले लोगों को कैसे नियम कानून विधि, उसमें एक चैप्टर दिया गया मूल अधिकार। तो वैसे लोगों और जो सामान्य लोग हैं सबका एक तालमेल सामंजस्य बना एक अधिकार रहे जिसे मूल अधिकार कहा गया। अब मूल अधिकार भारतीय संदर्भ में मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के विकास के लिए मौलिक समझे गए हैं। अब देखिए मूल अधिकार जो होते हैं वो राज्य के प्रति, राज्य के विरोध में अधिकार है, जैसे राज्य जैसे जीवन जीने का अधिकार। अगर राज्य किसी नियम कानून के द्वारा इस अधिकार की कमी कर रहा है, अधिकार को कम कर रहा है, तो हम न्यायालय में, चाहे उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में, राज्य के खिलाफ हम जा सकते हैं अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए, लाने के लिए। तो ये मूल अधिकार मौलिक रूप से राज्य के विरोध में दिए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है मूल अधिकार किसके विरोध में है, राज्य के विरोध में है। मौलिक अधिकार अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के विकास के लिए मौलिक समझे गए हैं। मौलिक मतलब मूलभूत। मूल अधिकार क्या है भारतीय संबंध में,
भारतीय संदर्भ में जो हमारे मूल अधिकार हैं भारतीय नागरिकों के विकास के लिए, ये किसके लिए बनाए गए? विकास के लिए बनाए गए कि समाज में सबकी स्थिति समान नहीं है। हाथ में जो पांचों उंगुलियां है, पांचों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन पांचों की अपनी महत्ता विशेष है। सब कैसे प्रगति करे, हमारा समाज कैसे प्रगति करे, हमारा समाज कैसे प्रगति करेगा जब भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक विकास करेंगे, अपने आप को विकसित करेंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से, तब हमारा समाज क्या होगा, विकसित होगा। तो यही दे रहा है कि जो हमारा मूल अधिकार क्यों जरूरी था, तो भारतीय संदर्भ में मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के विकास के लिए मौलिक समझे गए हैं, मूलभूत समझे गए हैं, मौलिक। इसलिए कानून द्वारा इसको लागू किया जाना आवश्यक माना गया। अब देखिए दो अधिकार हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य की नीति निर्देशक तत्व की, मूल अधिकार की, ये एक के बाद एक आने वाला अध्याय है। तो मूल अधिकार के खिलाफ, मतलब मूल अधिकार हमको नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात राज्य के खिलाफ ये भारत के नागरिकों को, और इसमें से कुछ अधिकार जो हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त है, जो राज्य के खिलाफ हम कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं राज्य अगर नहीं मानता है तो इसलिए इसको क्या किया गया है, इनको कानून द्वारा लागू किया जाना आवश्यक माना गया है। मतलब इनको अधिकारों को लागू करने के लिए एक कानून की, एक विधि की व्यवस्था की गई है, जो हमारे मौलिक विकास के लिए, भारत के नागरिकों के मौलिक विकास के लिए आवश्यक समझा गया है। अब मूलतः संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है, 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है। उसके बाद यह हमारे संविधान के भाग 3 में है, पूछ बार बार मिलान करने के लिए आता है कि जो हमारा मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 12 से 35 तक। अब कब संपत्ति के अधिकार को कब एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 1978 इसमें क्या है, 44वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था, पारित किया गया था, उस वर्ष क्या था, वो तिथि क्या थी, वर्ष 1978 में पारित किया गया था, इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात की जाती है। अब उस समय जब 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, और उसको अनुच्छेद 300 का में उसको पूरे उसके विधि को समझा दिया गया, उसको वहीं पे वर्णित कर दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है, अब संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, अब संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, विधिक है, मूल नहीं है। अब दो तरीके के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके। ये 6 प्रकार का जो अधिकार है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और सांविधिक उपचारों का अधिकार, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन है, या कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। बारी बारी से उन अधिकारों के बारे में और उनके अनुच्छेद को देखेंगे, उसके बाद आज हम समता के अधिकार के बारे में विस्तृत बात करेंगे। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कितने हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ेंगे कि ऐसे अधिकार जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, तो कौन कौन से अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अर्थात ऐसे अधिकार भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार, केवल भारतीयों को अर्थात विदेशियों को नहीं, ये अधिकार क्या है, विदेशियों को, पांच अधिकार हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 प्रकार के जो अधिकार हैं वो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, बाकी अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध।
ठीक, मतलब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी, मतलब कोई भी हो, उन तो धर्म के आधार पर, मूल वंश, आप किस वंश में पैदा हुए, जात के आधार पर, लिंग के स्थान पर, या पुरुष हैं या महिला हैं, या जन्म स्थान के आधार पर, आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, बॉम्बे के हैं, या गुजरात के हैं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 16 क्या है? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 हमारा कहता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चौथे प्रकार का अधिकार है अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 6 प्रकार का अधिकार है, वो 6 प्रकार का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 29, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो वो 5 अधिकार अनुच्छेद आपका 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 16 क्या है? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 29 क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और 30 क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। अब आइए देखते हैं कि भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को यह प्राप्त अधिकार, अर्थात दोनों को कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो प्राप्त है। इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ ये हुआ कि विधि के सामने, चाहे हम हैं, चाहे कोई विधायक है, चाहे मंत्री है, नागरिक के रूप में सब लोग समान होंगे। तो यह जो अधिकार है हमारा अनुच्छेद 14 में दिया है, विधि के समक्ष समानता, भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। उसके बाद अनुच्छेद 20 की बात की गई है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों को के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण अनुच्छेद 20 है, ये भी भारतीयों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, जीवन कैसे जिया जाएगा, इसका भी जो अधिकार है, ये भी भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। उसके बाद अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। निवारक नज़रबंदी के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, अभी जब हम आएंगे अपने इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में। ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में ये आ जाएगा, अनुच्छेद 20 भी आएगा, 21 भी आएगा और 22 भी आएगा, ये समानता के अधिकार में है। अब आगे अनुच्छेद जो 23 है और 24 है, ये दोनों अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। 23 क्या है? सबसे पहले मानव के बाद बालक, याद करने का तरीका, मानव दुर्व्यापार और बलपूर्वक श्रम पर रोक। बलपूर्वक श्रम मतलब गुलाम, बधुआ, मजदूरी, इसी को बलपूर्वक श्रम की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 23 हमारा है कि मानव दुर्व्यापार और बलपूर्वक श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों में बालकों के कार्य करने पर रोक। अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है? धर्म को मानने की स्वतंत्रता, हम अपने धर्म को मान सकते हैं, राज्य हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा या कोई आदेश या निर्देश नहीं देगा कि आप इस धर्म को मानिए। हमारा अनुच्छेद 25 कहता है कि हमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, हम चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी जात के हो, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो ये भी जो हमारा अनुच्छेद 25 है, ये भी भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, हम अपने धार्मिक कार्यों को अपने आप प्रबंधित कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं। ये कौन कौन कर सकता है? ये भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त ये अधिकार है। अब अनुच्छेद 26 क्या है? अनुच्छेद 26 ये हो गया। अब अनुच्छेद 27 क्या है? धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा करारोपण करने पर प्रतिबंध। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदुवादी सरकार है या मुस्लिम कोई शासक है या कोई आपका क्रिश्चियन है, ईसाई है शासक, वो ऐसा नहीं करेगा कि अपने धर्म के लिए ज़बरदस्ती आप पे कर का आरोपण करेगा। इस पर हमारा संविधान क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होगा।
अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा करारोपण करने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 28 हमारा यह कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। एक बार और देखिए, यह जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आसान है लेकिन प्रश्न हम लोग गलत कर देते हैं। इसमें सभी छह प्रकार की जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ऐसे अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 16 जो केवल भारतीयों को प्राप्त है अर्थात विदेशियों को नहीं प्राप्त है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करेंगे। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, छह प्रकार की, ये छह प्रकार की जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं जिनका अधिकार है, यह विदेशियों को नहीं प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है। 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 30 हमारा है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। देखिए, भारतीय संदर्भ में मूल अधिकार क्यों आवश्यक समझे गए, भारतीय नागरिकों के विकास के लिए। अब विकास मतलब कैसा आपका विकास होना चाहिए, यह विकास आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक, ये जितने प्रकार के आपके बहुआयामी विकास के लिए, नागरिकों के बहुआयामी विकास के लिए मौलिक, मौलिक मतलब मूलभूत समझे गए, अर्थात यही जड़ है, मौलिक अधिकार ही हमारे विकास के लिए, भारतीय नागरिकों के विकास के लिए क्या है, बेस है, आधार है। अगर इनका विकास नहीं हुआ, अगर मौलिक अधिकार हमें नहीं मिले तो हम अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे, और जब भारतीय नागरिक ही नहीं विकसित होगा तो देश कैसे विकसित होगा, समाज कैसे विकसित होगा। इसलिए संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के विकास के लिए मूलभूत, मौलिक माने गए हैं। मूलतः संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 क में दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, अनुच्छेद 15, उसके बाद 16, 19, 29, 30, केवल 5 अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। उसके बाद जो अधिकार हैं वो विदेशियों और भारतीय नागरिकों दोनों को प्राप्त है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए, अब हमने मूल अधिकार के बारे में जाना, कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, कौन कौन से मूल अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, तथा कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, उसकी बात किए। अब हम समता के अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, सभी अनुच्छेदों को विस्तृत से पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। पहला जो अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अब इससे तात्पर्य समझिए, विधि के इसमें दो पार्ट है, एक और के पहले वाला और एक और के बाद वाला। समक्ष समता, समता जिसे समानता भी कहते हैं, अंग्रेजी में इक्वालिटी कहते हैं। देखिए, अब इसका अर्थ क्या होता है, विधि के समक्ष समता या समानता का, कोई भी व्यक्ति संविधान में से बड़ा नहीं है, संविधान मतलब विधि से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे नागरिक हो, चाहे अधिकारी हो। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति देश की विधि से बड़ा नहीं। देश की विधि का निर्माण कौन करता है, हमारी विधायिका। हमारी विधायिका कैसे उन नियमों का निर्माण करेगी, यह कहाँ बताया गया है, हमारे संविधान में। उस संविधान में हम नागरिकों के लिए या विदेशियों के लिए, व्यक्तियों के लिए किस भाग में अधिकार दिए गए, भाग 3 में मौलिक अधिकार
के नाम से एक अध्याय है जिसमें इन सब अधिकारों के बारे में बात किया गया। उसमें से हमारा पहला अधिकार क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता के अधिकार की बात की गई है। तमाम तरह की समताएं हैं, समानताएं हैं जो विधि द्वारा हमें मिली है, विधि द्वारा हमको उससे संरक्षण प्राप्त है। उसमें पहला हमारा क्या है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों अलग अलग बात है। चूँकि हमारे देश में संसदीय शासन की प्रणाली है, संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय संप्रभुता नहीं है, इसलिए जो भी कानून होगा उस पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं और उसके कुछ अपवाद भी होते हैं। तो विधि के समक्ष समता या समानता से तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति देश की विधि से बड़ा नहीं है, अर्थात सभी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो चाहे अधिकारी विधि के समक्ष समान होंगे। जो यह संकल्पना ली गई है विधि के समक्ष समता या समानता की, जो संकल्पना ली गई है यह मूलतः ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ये जो हमारा अनुच्छेद 14 है उसमें दो प्रकार की संकल्पनाएं हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता यह मूलतः ब्रिटिश संकल्पना है और विधि का समान संरक्षण यह मूलतः अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दो है मिलकर अनुच्छेद 14 का निर्माण करते हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष कोई भी व्यक्ति देश की विधि से बड़ा नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नागरिक हो चाहे व्यक्ति हो चाहे विदेशी हो। अब इसका अपवाद भी है। हमारा अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तो उनको क्या किया गया है, यह विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। अर्थात जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन और प्रयोग करते हैं उस दौरान उन पर कोई भी दांडिक या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ध्यान देने वाली बात है, दांडिक और आपराधिक कार्रवाई की बात की गई है, सिविल कार्रवाई की बात नहीं की गई है। अर्थात जब ये राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे या पद के बाद भी इन पर सिविल कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन दांडिक और आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे तात्पर्य यह हुआ कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं अपने पद के पर रहते हुए अपने कार्यों और अपने शक्तियों उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तो वह न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि अनुच्छेद 361 हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दो व्यक्ति हैं हमारे देश में, राष्ट्रपति पूरे देश के लिए और राज्यपाल अपने राज्यों में, को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। पूछा जाएगा कि समानता का अधिकार सबके लिए समान है, लेकिन क्या इसके कोई अपवाद भी हैं? तो हाँ, इसका अपवाद क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको समानता के अधिकार से क्या दी गई है, इनको समानता के अधिकार से छूट दी गई है। अर्थात ये दोनों मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर पद के शक्तियों और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। उनके विरुद्ध उनके कार्यकाल के समय किसी भी प्रकार की दांडिक या आपराधिक कार्रवाई न तो आरंभ होगी न तो बनी रहेगी। अर्थात अगर पहले से भी कोई दांडिक या आपराधिक कार्रवाई किसी व्यक्ति पर है, भारतीय नागरिक पर है, और वह राष्ट्रपति बन जाता है या राज्यपाल बन जाता है तो उन पर जो भी दांडिक और आपराधिक कार्रवाई रहेगी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इससे तात्पर्य है जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 361 कहता है। अनुच्छेद 361 यह कहता है कि चाहे वो राष्ट्रपति हैं चाहे वो राज्यों के अपने अपने राज्यपाल हैं, पद पर बने रहने के दौरान अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों या शक्तियों का अगर प्रयोग करते हैं तो इन प्रयोग पर वह न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अर्थात उनको समान विधि के समक्ष समानता से छूट दी गई है। लेकिन इसमें दो पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि जब वो अपने पद पर बने रहेंगे तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दांडिक आपराधिक कार्रवाई न तो आरंभ होगी न ही बनी रहेगी, लेकिन अपवाद क्या है, सिविल कार्रवाई कार्यकाल के दौरान और बाद में भी बनी रहती है। इम्पॉर्टेंट।
प्रश्न में देगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान या बाद में कौन सी कार्रवाई जारी की जा सकती है, दांडिक कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई, सिविल कार्रवाई, तो सिविल कार्रवाई, दांडिक और आपराधिक कार्रवाई नहीं। तो देखिए, विधि के समक्ष समता या समानता से तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति देश की विधि से बड़ा नहीं है, अर्थात सभी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो चाहे अधिकारी हो हमारे विधि के समक्ष समान है। देश में विधि सर्वोच्च है। विधि कहाँ से बनी है? संविधान विधि का निर्माण करता है। संविधान में उल्लेखित किया गया है कि हमारे लिए विधि कौन बनाएगा, तो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है और संविधान में इसकी व्याख्या की गई है, अर्थात सबसे बड़ा क्या है? देश का कानून है, देश की विधि है। विधि मतलब कानून। देखिए, विधि और कानून दोनों एक ही बात है। विधि अगर किसी चीज पर बनी है तो अर्थात उसके विरुद्ध जाने पर उस पर दांडिक कार्रवाई होगी, न्यायपालिका में लोग जाएंगे उसके खिलाफ, तो आप पर दांडिक दंड का प्रावधान होता है, उसी को विधि और कानून की संज्ञा दी गई है। अब विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य समझिए। विधि का समान संरक्षण, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है, यह क्या है? विधि के समान संरक्षण से इसका तात्पर्य है। लेकिन वह जो विभेद होगा, वह जो व्यवहार होगा, वो तर्क संगत होगा, अतार्किक नहीं होगा। इसको देखिए कैसे समझते हैं कि जैसे एक ही पद पर अगर किसी महिला और पुरुष का चयन होता है तो महिला को कम वेतन दिया जाना और पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाना, या पुरुष को कम वेतन दिया जाना और महिला को ज़्यादा वेतन दिया जाना, यह अतार्किक विभेद है, तार्किक विभेद नहीं है। इसलिए ऐसा विभेद अमान्य है, ऐसा विभेद नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, उन अलग अलग परिस्थितियों पर अलग अलग व्यवहार का किया जाना जरूरी है, यही इससे तात्पर्य है। विधि के समान संरक्षण से यही हमारा तात्पर्य है। यह संकल्पना अमेरिकी संविधान से ली गई है। अब जो विभेद होगा, भिन्नता होगी, विभेदता होगी, उसका आधार होगा, एक भौगोलिक आधार हो जाएगा। अब जैसे पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोग और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग, दोनों के लिए अलग अलग कानून होगा। नागालैंड में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए संसद कोई विधि बना सकती है, उनकी परिस्थितियाँ अलग है, उनके लिए अलग कानून बनेगा, उनका भौगोलिक आधार अलग है। आजीविका या वृत्ति के संबंध में सबके लिए अलग अलग व्यवहार बना, जैसे मनरेगा मजदूरों के लिए अलग व्यवहार बना दिया गया है, जैसे बैंक कर्मियों के लिए अलग व्यवहार, पुलिस कर्मियों के लिए अलग कानून विधि बना दिया गया है, सबके लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ और विधि बनाई जा सकती है। लेकिन यह विधि और यह व्यवहार क्या होना चाहिए? तर्कसंगत होना चाहिए, समय के आधार पर। मान लीजिए कि आज के 50 साल पहले जो विधि थी वह अब तर्कसंगत नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है। आप देखे होंगे कि जो अभी सरकार है, इन्होंने करीब 100 के आसपास ऐसे कानून, ऐसे विधि को निरस्त कर दिया है, उसको हटा दिया है, जिसका अब कोई उपयोग नहीं बचा है। समय के आधार पर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका, प्रकृति में अंतर के आधार पर, अब एक ठेला लगाने वाला और एक शोरूम का मालिक, दोनों के लिए अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग व्यवहार, अलग अलग विधि सरकार बना सकती है, लेकिन यह जो विभेद होगा वो तार्किक होना चाहिए। अब हमारा अगला इसमें जो अनुच्छेद है, समता के अधिकार में अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। जाति, धर्म, मूल वंश, निवास स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब इसके आधार पर आप किस जात के हैं, इसके आधार पर राज्य आपसे कोई विभेद नहीं करेगा, आपके साथ अलग व्यवहार नहीं करेगा। आप किस धर्म के हैं, इसके आधार पर नहीं करेगा। आप किस लिंग के हैं, आप पुरुष हैं, महिला हैं या थर्ड, इस आधार पर नहीं आपसे विभेद किया जाएगा। आप बलिया के रहने वाले हैं या नागालैंड के रहने वाले हैं, आपसे कोई विभेद नहीं किया जाएगा, यही हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। लेकिन इसके भी अपवाद है। अपवाद क्यों रहते हैं? क्योंकि संसदीय संप्रभुता नहीं है हमारे यहाँ, संसदीय शासन व्यवस्था है, अर्थात संसद संप्रभु नहीं है, परिस्थितियों के आधार पर विभेद किया जा सकता है। यह विभेद, यह जो अपवाद होते हैं, वह उस व्यक्ति, उस जाति, उस समुदाय, उस समाज को उत्थानित करके समान करने के लिए किए जाते हैं। अनुच्छेद 15 3 है, अनुच्छेद 15 4 है, अनुच्छेद 15 5 है।
तीन प्रकार के ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है इसका विरोध करते हैं, मतलब इस पर यह नियम, यह कानून लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि यदि राज्य, यदि कोई विशेष राज्य महिलाओं या बच्चों के लिए कोई विशेष विधि बनाना चाहता है जो उनके लिए कल्याणकारी हो, तो ऐसा करना यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15(3) हमारा क्या कहता है कि यदि राज्य द्वारा, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं या बच्चों के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई योजना या कोई विधि लाती है, तो वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं मातृत्व अवकाश इसका उदाहरण है। यदि राज्य के द्वारा महिलाओं या बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाएगा तो वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। वहीं अनुच्छेद 15(4) यह कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, साथ ही साथ SC मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है। किसके लिए? राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो शिक्षण संस्थान है उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है ऐसे व्यक्तियों, ऐसे बच्चों के प्रवेश के आरक्षण के लिए, कि जो यही बता रहा है, यह हमारा 93वां संविधान संशोधन से लिया गया है। यह 15 अनुच्छेद 15 में यह पांचवा उपवर्ग इसका जोड़ा गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है उसके अतिरिक्त, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे निजी विद्यालय है, उसमें सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जा सकता है। किसके अलावा? अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है, जो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह जोड़ा गया है हमारे संविधान में, यह कहता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त, मतलब इनको अलग कर देंगे, तो सामाजिक व निजी शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों व शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जाएगा। राज्य ऐसा नियम बना सकता है और उसमें सीटों का निर्धारण प्रतिशतता के आधार पर, संख्या के आधार पर कर सकता है, जैसा हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। मजे की बात यह है कि जो पिछड़ा वर्ग का हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं, उल्लेख तो है, पिछड़ा वर्ग शब्द का उल्लेख है, लेकिन कौन पिछड़ा हो सकता है इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। हमारे संविधान में शैक्षिक पिछड़े वर्ग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अब पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कि कौन हमारे देश में पिछड़ा वर्ग है, मुख्यतः तीन आयोग बनाए गए थे। एक 1953 में पहला आयोग बना था, 10 सदस्यीय काका कालेलकर आयोग। उसके बाद 5 सदस्यीय बीपी मंडल आयोग 1979 में बना और पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना। अब इसके बाद हमारा अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन मतलब नौकरी, नियोजन कैसे किया जाए नौकरी रोजगार वृत्ति में समानता, अवसर की समानता। ऐसा नहीं है कि कोई, अगर जैसे यूपी टेट या PCS का फॉर्म आता है उसमें वर्ग विशेष के लिए वो नहीं आएगा, वो सबके लिए, वो सब लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं उस परीक्षा में। तीन प्रकार के अनुच्छेद है इसमें। अनुच्छेद 16(1) प्रत्येक नागरिकों को रोजगार एवं राज्य के अंतर्गत नियुक्ति में समान अवसर की समानता। तीन है इसमें, तीन अनुच्छेद है। अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को, अब यहाँ नागरिक से संबंध समझ रहे हैं, जो भारतीय है, नागरिकों को रोजगार एवं राज्य के अंतर्गत नियुक्ति में, मतलब राज्य के अंतर्गत जो नियुक्ति होगा उसमें समान अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) क्या कह रहा है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के
के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान, लिंग के आधार पर या इनमें से किसी एक के भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पांचों का आधार हो, कोई भी एक आधार हो, धर्म का भी आधार ले लीजिए, जाति का आधार ले लीजिए, लिंग का स्थान, लिंग के आधार पर, उसके बाद जो आपका निवास कहाँ रहते हैं उसके आधार पर भी कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में राज्य जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर या इनमें से किसी एक के भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। अगला अनुच्छेद 16(3) संसद द्वारा, देखिए संसद द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जो उस राज्य में, उस राज्य में, उस राज्य के निवासियों के लिए नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करती है या वहाँ के निवासियों को प्राथमिकता देती है या प्रावधान करती है। जैसे जो, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ऐसे कुछ राज्य हैं जो अपने यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देते हैं रोजी में, रोजगार में। वही अनुच्छेद हमारा 16(3) ये कहता है कि संसद, संसद, संसद किससे बन के मिल से, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने के बाद होता है। तो यह तीनों मिलकर अर्थात संसद द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जाएगा, ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिससे राज्य की सेवाओं में, स्टेट की जो सर्विसेज है राज्य की, जैसे उत्तर, संसद ऐसा निर्माण कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो नौकरी आएगी उसमें उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, उत्तर प्रदेश के निवासियों को वो प्राथमिकता दी जाएगी, तो ऐसा कानून कौन बना सकता है? संसद। एक केस आया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जिसे मंडलवाद केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्य नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य सेवाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि राज्य नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य सेवाओं में आरक्षण दे सकता है। अब कैसे दे सकता है? उसका आधार ये होना चाहिए कि वह अगर ऐसा समझता है कि इस सेवा में किसी वर्ग विशेष को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए, तब राज्य क्या करेगा, पिछड़े वर्गों को उन सेवाओं में आरक्षण देगा। हमारा अनुच्छेद 16(4) के तहत रोजगार में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है। 16(4) में इंदिरा साहनीवाद बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य के पिछड़ों वर्गों को किसी राज्य की सेवाओं में आरक्षण दे सकता है जो तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात राज्य ऐसा मानता है, समझता है कि उस सेवा में इन वर्ग का कुशल प्रतिनिधित्व नहीं है, समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसा कर सकता है। तो यही अनुच्छेद हमारा 16(4) कहता है कि इसके तहत, 16(4) के तहत रोजगार में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। अब इसमें भी बात है, आरक्षण दिया जा सकता है, अब यह आरक्षण कैसा होगा? यह आरक्षण नियुक्ति में आरक्षण होगा। जब आपकी नियुक्ति होगी उसमें यह पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा दिया गया आरक्षण लागू होगा, प्रोन्नति में नहीं लागू होगा। लेकिन इसका अपवाद है जो हमारा 77वां संविधान संशोधन है, ये यह कहता है कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है वो ऐसे ही बना रहेगा। तीन चीज़ें इसमें दी गई हैं। इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य राज्य के पिछड़े वर्गों को सेवाओं में आरक्षण दे सकता है यदि उसे ऐसा लगता है कि उस सेवा में पिछड़े वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 16(4) यह कहता है कि राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवा में आरक्षण देगा, लेकिन यह आरक्षण नियुक्ति के समय मिलेगा, प्रोन्नति के समय नहीं। लेकिन हमारा 77वां संविधान संशोधन कहता है, जिसमें 16(4)(a) का प्रावधान है, 16(4)(a) का, इसमें यह कहता है कि जो चला आ रहा है अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नत में भी जो आरक्षण चला आ रहा है वो ऐसे का ऐसा बना रहेगा। देखिए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट,
सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य सेवाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) के तहत रोजगार में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है जो पहली नियुक्ति में होगा, प्रोन्नति में नहीं होगा। ये ओबीसी के लिए है, जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4)(1) ये कह रहा है, जो 77वें संविधान संशोधन द्वारा यह ए वाला उपवर्ग जोड़ा गया है अनुच्छेद 16(4) में, वो यह कहता है एससी मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में जो आरक्षण मिल रहा है वो वैसे ही जारी रहेगा। हम देखें अनुच्छेद 14 को, 15 को, 16 को। अब आइए आगे पढ़ते हैं। हाँ, हम अनुच्छेद 16 पढ़े। अनुच्छेद 16 में हमने पिछड़े वर्ग की बात की थी कि पिछड़े वर्ग के लिए राज्य अगर यह समझता है कि किसी राज्य की सेवा में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, समान प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो ऐसा कानून ला सकता है। लेकिन पिछड़ा वर्ग कौन है इसके बारे में संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान में पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 16(4) में जो पिछड़ेपन की बात की गई है, जो वर्णित है अनुच्छेद 16(4) में, जो वर्णित पिछड़ापन सामान्यतः मूलतः क्या है? सामाजिक पिछड़ापन है। दो चीज़ें पूछता है कि अनुच्छेद 16(4) में जिस पिछड़ेपन की बात की गई है वो किस प्रकार का पिछड़ापन है? आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है या अन्य? तो यह मूलतः सामाजिक पिछड़ापन है। अब आरक्षण की सीमा कितनी होनी चाहिए इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ जोड़कर पढ़ा और कहा कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% तक निर्धारित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दो प्रश्न इससे है कि अनुच्छेद 16(4) में वर्णित पिछड़ापन किस प्रकार का पिछड़ापन है? तो सामाजिक पिछड़ापन। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16(4) को और अनुच्छेद 335 को एक साथ जोड़कर पढ़ने के बाद आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की है? तो 50%। दो प्रश्न आरक्षण की सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ जोड़कर पढ़ते हुए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की है। अब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत करेगा यह हमारा अनुच्छेद 17। हमारे मूल अधिकार में समता के अधिकार में 17वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 17 है। 14 से 18 तक समता के अधिकार की बात की गई है, उसमें यह हमारा एक अनुच्छेद है 17, यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होगा, चाहे वो रेस्तरा हो, धर्म स्थल हो, मंदिर हो, कोई सार्वजनिक स्थान हो, मेला हो, इसमें या कोई नल हो, कुआं हो, इसमें छुआछूत नहीं किया जाएगा। वह सबके लिए एक समान रूप से उपयोगी रहेगा, सबके लिए कार्य में आएगा, व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म मूल वंश का हो, उस पर किसी भी प्रकार के छुआछूत का अंत किया जाएगा। इस छुआछूत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बनाया गया था, जिसमें इन सब सारी बातों को परिभाषित किया गया था। यही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया वर्ष 1976 में, और संशोधन करके अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 क्या बन गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। दो प्रश्न यहाँ पे हैं कि जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, इनमें कब परिवर्तन किया गया? तो 1976 में। 1976 में परिवर्तन के बाद अब इस जो अस्पृश्यता अधिकार अपराध अधिनियम है इसका क्या नाम रख दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब देखिए, जो यह अधिकार है वह निरपेक्ष अधिकार है, निरपेक्ष, न इधर न उधर। निरपेक्ष से तात्पर्य यह है कि यह जो अधिकार है वो व्यक्ति एवं राज्य दोनों के खिलाफ है, दोनों के विरोध में है। अगर मेरे साथ छुआछूत की जाती है तो जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी हम कोर्ट जा सकते हैं, या राज्य ऐसा करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। आपने केरल के सबरीमाला प्रकरण को समझा होगा, वहाँ महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था, यह मामला कोर्ट गया और उस पर निर्णय आया और उन लोगों को जाने की अनुमति दी गई। निरपेक्ष अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निरपेक्ष अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है, नहीं लगाया जा सकता है,
जब जो यह अस्पृश्यता का अंत है या जो अधिकार है अनुच्छेद 17 में जो हमें मिला है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, साधारण भाषा में छुआछूत का जो अंत का अधिकार हमें मिला है, यह व्यक्ति व राज्य दोनों के खिलाफ है, व्यक्ति व राज्य दोनों के खिलाफ है। अस्पृश्यता वाले से पहले तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, जो 1976 में सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम के रूप में बन गया, लागू है। अस्पृश्यता का अंत एक ऐसा अधिकार है, निरपेक्ष अधिकार है, जिस पर आशय है कि इस अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। उसके बाद यह जो अधिकार है अस्पृश्यता अधिकार किसके खिलाफ है, व्यक्ति व राज्य दोनों के खिलाफ है, विरुद्ध है, उपलब्ध है। अब हमारा समानता के अधिकार में अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत से तात्पर्य क्या है कि राज्य किसी भी प्रकार की उपाधियां राज्य द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी, किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य के द्वारा नहीं उपाधि प्रदान की जाएगी, चाहे जैसे राजा राम मोहन राजा की उपाधि हो गया, सर विलियम बेंटिक सर की उपाधि हो गई, ये सारी उपाधियाँ, ऐसी सभी उपाधियों का अंत हो गया है, राज्य इस प्रकार की उपाधियों को नहीं दे सकता है, जारी नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार की उपाधियां राज्य द्वारा नहीं जारी की जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन है, अकादमिक एवं सैनिक उपाधियां राज्य के द्वारा दी जा सकती है। अकादमिक जैसे बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, कोई बीटेक की डिग्री, वैज्ञानिक बने डिग्री, बीटेक की डिग्री, ये जो डिग्री है उपाधियाँ है इसको राज्य दे सकता है। सैनिक उपाधियाँ जैसे जो सैनिक उपाधि दी जा सकती है उनको राज्य दे सकता है। यह एक वाद आया आपका बालाजी राघवन वाद 1994, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ष 1954 की बात है जिसमें भारत सरकार ने चार प्रकार के सम्मानों की घोषणा की, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, चार प्रकार के उपाधि देने चालू किए भारत सरकार के द्वारा। यह चारों प्रकार के हैं, यह भारत का सर्वोच्च है, सर्वोच्च पुरस्कार, द्वितीय सर्वोच्च, तृतीय सर्वोच्च और चतुर्थ सर्वोच्च पुरस्कार है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और इसने इसकी आलोचना करते हुए इस पुरस्कार को बंद कर दिया। ये चारों प्रकार के जो 1954 में भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे उसको जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में बंद कर दी। आलोचकों का यह कहना था कि यह उपाधि है, पुरस्कार नहीं है, और हमारा संविधान उपाधियों के अंत का अंत करता है, अनुच्छेद 18 में दिया गया है, और यह जो पुरस्कार दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा जो 1954 में चालू हुआ था, यह इस अनुच्छेद का उल्लंघन है, इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने यह चारों पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जो चारों प्रकार के पुरस्कार हैं इनको बंद कर दिया। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार आई और इसको इन्होंने चालू कर दिया। जब इन्होंने इसको चालू किया तो इसके खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया, जिस वाद को बालाजी राघवन वाद के नाम से जाना जाता है। बालाजी राघवन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पुरस्कार, अवार्ड और टाइटल, उपाधि दोनों में अंतर है। पुरस्कार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दिया जाता है जिसे अवार्ड कहा जाता है, और टाइटल जो राजतंत्रात्मक सत्ता होती है उसमें दिया जाता है। तो यह जो पुरस्कार है यह उपाधि नहीं है, इसलिए इसको जारी किया गया और अब भी दिया जाता है। आज की यह कक्षा मूल अधिकारों से संबंधित थी, जिसमें हमारा पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार के बारे में हम लोग पढ़े। अगली कक्षा में उस स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे। अगर आप इस कक्षा की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। जिनको हमारी प्रत्येक कक्षा, जो कक्षा जैसे अभी ख़त्म हुई, समाप्त हुई, इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो आप 7081788388 पर व्हाट्सएप करके अपना नाम लिखकर बताकर आपको PDF दे दी जाएगी। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी, अपने विचार, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही हम आगे और कक्षाओं को लेते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।